हेलो फ्रेंड्स, मैं लखबीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलएस होम्स में। दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक और नई जगह पे नए पापड़े के साथ। जो पापड़ी रहने वाली है वो रहने वाली है जरिप पटियाला रोड पे, और जो उसकी एंट्री रहेगी वो ऑन हाईवे से रहेगी। आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 बेडरूम की कैटेगरी, और यहाँ पे आपको सिंगल कैटेगरी मिलेगी, कोई 1 2 कुछ नहीं, ओनली 3 बेडरूम। और मैं बात करूँ सोसाइटी की, वो रहेगी आपकी लोराइज स्टिल्ट में, आपकी पार्किंग रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर। तो लोरेज कंसेप्ट रहेगा, विद लिफ्ट रहेगा, विद ऑल अमेनिटीज। मैं बात करूँ जिम, क्लब, पार्क, पावर बैकअप, हर चीज़ आपको इस सोसाइटी में मिलने वाली है। ओपननेस की बात करूँ तो टावर टू टावर आप देख सकते हैं 52 फीट का गैप है। मैं इनर टावर की बात करूँ तो 60 फीट का गैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपननेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एंट्री करते ही आपको मिलती है आपका पार्किंग एरिया। आपको यहाँ पे देखोगे मांग पार्किंग दे रहे हैं 4 व्हीलर की, इसके साथ आपको यहाँ पे रहेगी आपकी लिफ्ट, और लिफ्ट के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी वाइड आपको स्टेयरकेस प्रोवाइड किया हुआ है फ्लैट में जाने के लिए। क्योंकि 8 फ्लैट के पीछे आपको यहाँ पे एक लिफ्ट मिलने वाली है। फ्रेंड्स, एक फ्लोर पर आपके 2 अपार्टमेंट रहने वाले हैं, एक आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, एक राइट साइड, बीच में आपको सेंटर में ये लिफ्ट प्रोवाइड की हुई है। हम बात कर लेते हैं फ्लैट की। आप देखो जैसे हम एंट्री करते हैं आपको काफ़ी बड़ा डोर दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है स्मार्ट लॉक, और एंट्री करते साथ ही आपका आता है ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 6 से 7 सीटर सोफ़ास आराम से लगा सकते हैं, स्पेस आपको यहाँ पे सफिशेंट मिल जाता है। हॉल सीलिंग आप देख रहे हैं पूरे पूरे फ्लैट्स में काफ़ी प्यारी की हुई है। बीच में आप जो ये शैंडलियर देख रहे हैं ये पूरे पूरे ड्राइंग एरिया को 4 चांद लगा रहा है। मेरे ड्राइंग के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे LED का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप LED रख सकते हैं और फैमिली के साथ मूवी टाइम बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं इस ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, तो आप देखो मेरे सामने बिल्कुल मेरे 3 रूम है ना वो विजुअल नहीं है, तो गेस्ट बैठा हुआ है, प्राइवेसी प्रॉपर दी हुई है इस पूरे पूरे फ्लैट में। मुझे लेआउट काफ़ी पसंद आया, फ्लैट का जो इंटीरियर किया हुआ है, फ्लैट का जो लेआउट है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी आपको बहुत ही स्पेशियस, और ख़ास बात यह कि सोसाइटी में आपको ना ओपननेस फील होती है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही ओपन बनाई हुई है। टावर गैप काफ़ी दिया हुआ है, कंजस्टेड आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। ड्राइंग के बिल्कुल साथ में आपको मिल रही है बालकनी, जो कि बहुत स्पेशियस है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बालकनी में, और बालकनी में आपको 6 फीट वाइड विड्थ आपको स्पेस मिल रही है। और बालकनी के बिल्कुल सामने देखोगे आप 62 फीट मेरे फ्रंट में आपको सड़क नज़र आ रही है, और जो मेरे नीचे है वो अप्रोक्स 52 फीट वाइड रोड मिल रही है आपको। तो वहाँ पर देखोगे मेरे पास ब्लॉक टू ब्लॉक जो गैप है वो मोर देन सफिशियंट है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन की कमी और सनलाइट की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर सनलाइट आएगी और प्रॉपर वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। बालकनी बहुत स्पेशियस है। फ्रेंड्स, ड्राइंग के बिल्कुल सामने आपका रहेगा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पर आपको 6 सीटर प्रोवाइड किया हुआ है। सर्विस स्पेस रहेगी आपकी, जो आप सर्व के लिए एरिया चाहिए वो भी आपको मोर देन सफिशिएंट प्रोवाइड होता है, यहाँ पे आपको सर्विस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। सर, आपको राइट साइड पे हमने छोटी स्पेस दी हुई है, आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने क्रॉकरी सेट बना सकते हैं, आप जो रिटायर्ड होते हैं आर्मी पर्सन होते हैं वो आप यहाँ पे बार ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो आप बार वगैरह भी बना सकते हैं। तो अपने तरीके से अलग अलग थॉट्स हैं, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगर ये फ्लैट लेते तो आप यहाँ पे क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, डाइनिंग के साथ हमारा रहेगा किचन एरिया। किचन में आपको देखोगे पैरेलल स्पेस आपको किचन मिल रही है। वास्तु के हिसाब से मैं बात करूं
तो कहते हैं कि आग और पानी को अलग अलग रखना चाहिए, तो आप देखोगे मेरा कुकिंग एरिया अलग आता है और वेट एरिया मेरा टोटली अलग हो गया। और सेम यहाँ पर भी आपको ऊपर अपने बर्तन रखने के लिए प्रॉपर स्पेस दी हुई है, कि आपने जिसमें कहता हूँ इजी टू वॉश इजी टू क्लीन, यहाँ से रखे धोए रख दिए। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट है पूरी पूरी किचन का। किचन में बात करूँ, पूरी की पूरी किचन आपकी मॉडर्न रहेगी, प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और ख़ास बात ये रहेगी कि पूरी पूरी किचन हैंडलेस रहेगी, क्योंकि तो हैंडलेस किचन से एक सिमेट्री बनी रहती है और इजी टू ऑपरेट रहेगा। चिमनी की आपको प्रॉपर स्पेस दी हुई है, हॉब की प्रॉपर दी हुई है, इसी के साथ आपको आरओ और गीजर की भी प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की हुई है। इसी के साथ पीछे आपकी रहेगी यूटिलिटी बालकनी, जिसको आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो ये आपको मैं बेडरूम से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम दिखाते हैं आपको बेडरूम। और बेडरूम की खास बात ये रहने वाली है कि आपको हर जगह पे एक ना एक बेडरूम छोटा मिलता है, पर मैं आपको जो जिस सैंपल शॉट में खड़ा हूँ, आपको तीनों बेडरूम एक सिंगल साइज़ के मिलेंगे। और जो साइजेस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 10.5 बाय 13 के, तीनों बेडरूम। तो ये हमारा पहला बेडरूम। हम बेडरूम के एंटर करते ही आप देखोगे बेड को, फॉल सीलिंग आप देखोगे डिजाइनिंग फॉल सीलिंग की हुई है विद एलईडी लाइट्स, जो देखने में बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। इसी के साथ आपको डेडिकेटेड वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है विद वुडन टेक्सचर। दोस्तों, मैंने आपको साइज 10.5 बाय 13 बताया था, तो ये क्लियर साइज है। वार्डरोब्स आपकी इंक्लूडी देगी, क्योंकि वार्डरोब्स हमारी इनबिल्ट है। इसी के साथ आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम में आप देखोगे जो फिटिंग्स रहेंगी वो आपकी इंटरनेशनल ब्रांड्स की रहेंगी, कॉलर की वैसे हम आपको यहाँ पे फिटिंग्स दे रहे हैं। और स्पेस वॉशरूम में आपको बहुत मिलता है। अब वॉशरूम के जो टाइल्स है कॉम्बिनेशन देखोगे ना, कलर कॉम्बिनेशन, वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर की आप देखोगे, आपको यहाँ पे सैनिटाइज दी हुई है। इसी के साथ ग्रे कलर का टेक्सचर का टाइल्स वॉशरूम को एक लग्जरी लुक दे रहा है। यहाँ पे आपकी अटैच बालकनी, जो कि किचन के किचन से और एक सेकेंड बेडरूम से अटैच रहेगी। तो दोस्तों, बालकनी आपकी बहुत स्पेशियस रहने वाली है, और आप मेरे बेडरूम से, आपके किचन से और आपके सेकेंड बेडरूम से ये अटैच रहेगी। प्रॉपर मुझे यहाँ पे वॉशिंग के लिए प्रॉपर स्पेस दी हुई है। इसी के साथ आपको देखोगे डक्टिंग है वो प्रॉपर की हुई है, एसी की वायरिंग प्रॉपर हो रखी है पूरे पूरे फ्लैट में। आउट ऑफ 5 मैं आप पॉइंट देना चाहता हूँ बालकनी को स्पेशली। सोसाइटी की बात मैं बाद में करूँगा, पर बालकनी की बात करूँ तो 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि बालकनी बहुत स्पेशियस है। फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। बेड के साथ आप देखोगे आपको दो साइड टेबल्स रखे हुए हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे साइड टेबल्स दिखे हुए हैं। इसके बाद भी मेरे पास प्रॉपर स्पेस मिलती है मुझे घूमने के लिए। तो सर्कुलेशन एरिया आपको काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। कबर्ड्स आप देखोगे यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल रही है, जैसे आपको पिछले बेडरूम में मैंने दिखाया वुडन टेक्सचर था, इसमें आपको प्रॉपर ग्लॉसी और वाइट टेक्सचर दिया हुआ है। वार्डरोब्स आपके काफ़ी स्पेशियस रहने वाली है। फॉल सीलिंग आपको पूरे के पूरे फ्लैट में एज इट इज प्रोवाइड की है। और जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बालकनी दिखाई थी, बालकनी वो आपकी यहाँ से भी अटैच रहेगी। इसी के साथ आपको मिल जाता है आपका बहुत ही प्यारा स्पेशियस वॉशरूम, इसमें आपको अगेन कॉलर ब्रांड की फिटिंग दी हुई है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, क्वालिटी आपको यहाँ पे अप टू मार्क मिलेगी। हर चीज़ आपको यहाँ पे ब्रांडेड मिलने वाली है। अगेन हम आए हैं अपने थर्ड बेडरूम में। जो साइज़ रहने वाला है वो सेम 10.5 बाय 13 का आपको साइज़ मिलने वाला है। अब हॉल सीलिंग आप देखोगे इस पूरे एक बड़े बेडरूम में आपको एज इट इज मिलेगी विद कॉप लाइट्स। बेडरूम के बिल्कुल सामने आप देखोगे आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको एलईडी पैनल का स्पेस दिया गया है। आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके से आप एलईडी का प्रोविजन यहाँ पैनल बना सकते हैं। इसी के साथ आपको वाटर प्रोवाइड की हुई है। वाटर यहाँ पे अगेन आपको अलग टेक्सचर दिया हुआ है, जैसे आपने तीनों दोनों बेडरूम में देखा कि अलग टेक्सचर था, इसमें भी ट्राई किया होगा कि आपको अलग टेक्सचर दें, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। प्रोविजन आपको हर एक चीज़ का पूरे पूरे बेडरूम में, पूरे पूरे फ्लैट में मिलेगा। एसी की आप देख सकते हैं डक्टिंग आपको
प्रॉपर वायर में मिलेगी। इवन कि यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास डिश की प्रॉपर आपको वायरिंग दी हुई है, आपको यहाँ पे नेट की प्रॉपर वायरिंग दी हुई है। तो वायरिंग, डक्टिंग, हर चीज़ यहाँ पे आपको हर चीज़ की दी हुई है। आपने आके सिर्फ अपना सामान रखना है, कुछ तोड़ फोड़ करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल मेरे सामने आपको मिलता है वॉशरूम, वॉशरूम भी आपका काफ़ी स्पेशियस है। और हमने ट्राई किया कि तीनों, आप देखोगे तीनों वॉशरूम में भी आपको टाइल्स कॉम्बिनेशन अलग अलग मिल रहा है और देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ब्रांड आपको यहाँ पे अगेन सैनिटरी का जो ब्रांड मिलेगा वो मिलेगा इंटरनेशनल ब्रांड जो टॉयलेट का होगा। आपको अगेन आपकी अटैच बालकनी मिल जाती है जो ड्राइंग रूम से अटैच रहेगी, जो आपको पहले दिखाई थी बालकनी से। तो दोस्तों अभी हम जिस फ्लैट में खड़े हैं प्रॉपर ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, तो मेरे सामने से सनराइज होता है और साउथ से होता होगा पीछे वेस्ट में सन सेट होता है। तो आप देखोगे इस पूरे पूरे फ्लैट में आपको धूप की कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली, फ्रंट बालकनी में भी और बैक बालकनी में भी। तो फ्लैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको फ्लैट कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा। दोस्तों पूरा पूरा घर मुझे काफ़ी पसंद आया, लेआउट्स काफ़ी अच्छे लगे, इंटीरियर बहुत प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। सोसाइटी की बात करता हूँ, उस सोसाइटी में ओपननेस आपको बहुत ज़्यादा दी हुई है, आपको कंजस्टेड बिल्कुल भी फील नहीं होता, हवा आपको प्रॉपर महसूस होती है पूरी पूरी सोसाइटी में। तो होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दिखाते रहें, और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर अच्छे अच्छे इंटीरियर के साथ हम लाते रहें, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके अपने आने वाले घर का। क्योंकि हर एक बाहर का सपना रहता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम ट्राई करते हैं कि हम आपको वही चीज़ें इस वीडियो में अपने चैनल में दिखाएं। दोस्तों कोई भी अभी क्वेरी है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, साइट विजिट के रिगार्डिंग, एवन के प्राइस के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारी सेल्स टीम आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी, हर तरीके से आपको असिस्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलएस होम्स।